एक्चुअली मूवी नहीं है, ये एल्बम है, हिंदी एल्बम है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आई होप कि सभी को ये पसंद आएगा। काफ़ी अच्छा लिरिक्स सुरेंद्र मिश्रा जी ने लिखा है, इससे पहले भी काफ़ी गाने उसने लिख चुका है, तो मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छे लिखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शकों को भी पसंद आएगा। बस आप लोग दुआ कीजिए। तो पोस्टर पे मैं हूँ तो मैं ही दिखूँगा ना सर। कुछ एल्बम किस तरह की होगी, रोमांटिक होगी, सैड होगी? एक लाइक एक अलग होगा कुछ, जैसे कि फ्यूजन टाइप होगा और लाइक क्लासिक टाइप होगा, कुछ अलग होगा। तो लहरें से क्या मतलब निकाला जाए? लहरें से ये निकाल सकते हैं आपकी जो गाने की जो बोल है, तू बन जा लहरें सागर की और मैं साहिल बन जाऊँ, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लो। तो जो बनने वाली है लहरें वो कहाँ हैं, वो नहीं दिख रही? अब वो तो आपको नहीं दिखेगा, फिलहाल तो मैं ही दिख रहा हूँ, बाकी आगे देखना क्या होगा। तो लोकेशन कहाँ है, शूट कहाँ करेंगे, क्या तैयारी? ये सब अभी सब सस्पेंस है, ये अभी बता नहीं सकते हैं, मतलब, बस तैयारी चल रहा है। मतलब ऑडियंस के बीच में कब तक आ जाएगी आपकी लहरें? बट इंशाल्लाह आई होप कि एक महीने के अंदर आ जाना चाहिए। भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं और पहली एल्बम कौन सी थी आपकी? एक्चुअली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ बट मैं कर्नाटक बैंगलोर में सेटेड हूँ और ये मेरी पहली एल्बम है। अच्छा, ये आपकी पहली एल्बम? जी मैम। इसका डायरेक्शन सुरेंद्र जी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये उनका मेरे साथ, मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ और जब मैं उनसे मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जब मुझे बोल सुनाए उन्हें तो मुझे मैं काफ़ी पसंद हो गया मुझे, और जिस तरह से लिरिक्स लिखा उसने, और ऐसे भी तो सब आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी में 100 से ऊपर फिल्में लिख चुके हैं, और इससे पहले मैं सर्च किया जब तो हिंदी में गाना आया था, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की कसम, तू छा गई है मुझ पर आसमान की तरह, तो ऐसे काफ़ी गाने लिखे हैं और जिस तरफ से गाने के बोल लिखे हैं उस तरफ से अच्छे इंसान भी है और मुझे पसंद है उस इंसान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये। बॉलीवुड में कौन सा सिंगर आपका आदर्श है? जी मेरा फेवरेट कुमार शानू और किशोर कुमार है, मैं उन दोनों के गाने सुन के समझो बड़े हुआ हूँ। मतलब जो फेवरेट की बात आई मैम, तो कुमार शानू तो मतलब गाने तो सभी का सुना हूँ, लेकिन जो फेवरेट की बात है तो मैं उनके गाने जैसे कि तो बाकी तो सभी के गाने सुनता हूँ बट ज़्यादा किशोर और कुमार शानू गाने सुन के मतलब आप एक्सपायर हो जी, है जी, इंस्पायर। तो इसके बाद अपकमिंग कोई भोजपुरी? भोजपुरी में तो गाने काफ़ी 6-8 गाने मैं कर चुका हूँ और इससे पहले मैंने एक मूवी भी मेरा शूट हुआ है यस जी के साथ में, जिसके प्रोड्यूसर है दीपक शाह, वो अभी आई थिंक 1-2 महीने मूवी रिलीज है। ये हिंदी सॉन्ग है आपका जी, भोजपुरी भी गा चुके हैं, तो कैसे लगा कि हिंदी भी गाना चाहिए भोजपुरी के साथ? नहीं एक्चुअली मेरा जो थॉट था, मैं झारखंड से हूँ बट मैं बचपन से रहा नहीं झारखंड पे, तो मेरा जो सोच था कि हिंदी करूँगा, फिर ऐसा लगा कि मुझे भोजपुरी करना चाहिए, तो मैं भोजपुरी मैंने किया, एक मूवी कंप्लीट हुआ है मेरा ऑलरेडी। मूवी का नाम जी यस जी है, चांदनी है, और चांदनी जी है और नीति झा भी है, देव सिंह भी है, फिल्म के नाम है वचन। उसमें क्या स्टोरी है, मतलब थोड़ी सी आप बता सकते हैं? एक फैमिली स्टोरी है मैम, फैमिली स्टोरी है। एक्शन तो ज़्यादा नहीं है बट रोमांस एक्शन आप ले सकते हैं। इसकी शूटिंग कब से आप कर रहे हैं, कहाँ करेंगे? सर इंशाल्लाह अभी तो लोकेशन हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है बट अगले महीने स्टार्ट होगा इसका शूटिंग सर। जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है बोल सुनाएंगे दर्शकों को? जी गाने की बोल है, तू बन जा लहरे सागर की और मैं साहिल बन जाऊं, ये गाने जब कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। म्यूजिक किसका है? लिरिक्स और म्यूजिक सुरेंद्र मिश्रा जी के हैं। अच्छा, डायरेक्शन उन्हीं का है? जी उन्हीं का रहेगा। और कौन कौन से गेस्ट आए हैं जरा बताएंगे? गेस्ट के नाम तो जैसे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, अयाज खान जी आए हैं,
जो लड़ने के विचार है वो खलनायक है। खलनायक नहीं बाबू, एक्टर हूँ यार। देखिए फिल्मों में खलनायक है, बट यहाँ तो इतना जानता हूँ कि बेहतरीन इंसान है। और सर से पहली बार मिला हूँ तो नागेश सर हैं जो काफी दीजिएगा जी। हमेशा 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 मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ये लीगल खलनायक है नागेश मिश्रा जी जी सुनता हूँ। पिया जो भी इलीगल काम होता है पीआरओ के साथ सहमत से होता है। और नागेश जी आप इस एल्बम से क्या उम्मीद रखते हैं, भाई एल्बम लॉन्च कर रहे हैं हिंदी में? सर ये एल्बम का जैसे मैं अभी रॉ मटेरियल जैसे देखा स्टार्टिंग में, जैसे कि सुरेंद्र मिश्रा जी ने बताया कि अगर ये 2% है तो 100% होने पे क्या होगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। और मैंने आने के साथ ही इनको जिनके सुना मैंने हाई पिच देखा, उसके पकड़ दिखी शब्दों की पकड़, सुर और ताल का संगम देखा, उनका म्यूजिक कंपोजिशन के साथ में सिंगिंग का जो कोऑर्डिनेशन देखा, तो इनकी मेरी शुभकामनाएं तो हैं ही, इनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, इस फिल्म को इस एल्बम को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत आगे देखते हैं, बहुत कुछ होगा सर, अभी देख रहे हैं, देख रहे हैं आगे, अगर महसूस करेंगे लोग, महसूस भी कर रहे हैं। आपका कितना सपोर्ट रहेगा? मेरा तो 100% सपोर्ट है और शुरू से रहा है। सुरेंद्र मिश्रा जी हमारे 35 साल से हमारे पुराने रिलेशन है और हमेशा मैं उनके साथ में रहता हूँ, अच्छे बुरे हर चीज़ में हर वक्त में रहा साथ में। और ये भी उन्होंने हमें बुलाया, याद किया, उनकी ये उनका बड़प्पन है और मेरी शुभकामना हमेशा उनके साथ में। तो आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर? मैं तो लीगल फील्ड में हूँ लेकिन साथ में थोड़ा बहुत संजय पटियाला जी के संजय जी की तरफ से कुछ कभी कभी काम भी कर लेता हूँ, छोटा दो चार एक्टिंग का भी काम कर लेता हूँ। तो जैसे अगर अभी तो एल्बम है इसमें तो कोई स्कोप नहीं है आगे, लेकिन जो भी फिल्म इनकी थोड़े दिन पहले कभी इनकी एक फिल्म का मुहूर्त में मैंने शिरकत की थी, वो फिल्म का नाम था लाखों में एक हमार भौजी। तो जैसे वो लाखों में एक हमार भौजी का नाम सुना तो ये करोड़ों में एक एल्बम होगा, ये लहरें जिसका नाम होगा। और जैसे लहरें अपने आप ही करोड़ें होती हैं, आपने सुना होगा, जैसे समुंदर में देखिए तो लहरों की सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, गिन नहीं सकते आप, उस तरह इनके कितने इसके तरफदार होंगे, कितने इसके आपके आपके लोग आपकी तारीफ करने वाले होंगे, वो आप गिन नहीं सकते। तो हजारों करोड़ों अरबों की तादाद में होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं और ऐसा ही होगा। इस एल्बम के म्यूजिक लिरिक्स और डायरेक्टर सुरेंद्र जी दे रहे हैं जी, कुछ कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी दे रहे हैं, सुरेंद्र जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि वो तो ये कथा सागर है, अपने आप ही सागर है। और लहरों की जब बात किया, सुरेंद्र जी के माँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर, और जो भी शब्द जैसे अभी तक अच्छे लेखक के रूप में जाने गए हैं और एक अच्छे लिरिक राइटर के हिसाब से और म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से आ रहे हैं, तो ये बहुत ही और अच्छी बात होगी। एक फिल्म का डायरेक्शन भी कर रहे हैं साथ में अपनी फिल्म का, लाखों में कुमार भौजी। तो सुरेंद्र जी मल्टीपल टैलेंट के धनी हैं और ये हमने देखा और अब सब जनता भी देखेगी जी फिल्म जब ये एल्बम रिलीज होके बिल्कुल फाइनल कंपोजिशन होके और पूरा बिल्कुल पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जब बाहर आएगा तो ये सबको मात दे देगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ देखा जी, उन्होंने पकड़ है फोक को, इन्होंने पकड़ा हुआ है संगीत जो, और जो संगीत के साथ में जो शब्दों का इन्होंने जो चयन किया है गीतों में, वो शब्द बिल्कुल जबान पे आने वाले हैं आसानी से। तो वो जो शब्द आसानी से जबान पे लोगों के चढ़ जाए, उस गाने को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता, ये इतिहास सही है। कैसे से एडवोकेट है, अभिनय के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? सर अभिनय मेरी हॉबी है और मेरा शौक है। ऑन द कंट्री मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभिनय मेरा पहला शौक है और शौक एडवोकेसी के लिए मुझे उसमें टाइम निकाल के मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। मेरी इस तरह से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रोड्यूस करना है कोई फिल्म नहीं सर, अभी तक तो लगभग 32 के करीब मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ, संजय जी को मालूम है। अयाज जी तो मेन लीड में, अयाज जी ऐसे रहे चाहे वैसे रहे, मेन लीड में वैसे रहते हैं। विलन में भी इन्होंने भी एक हीरो हीरो करके किया उन्होंने, और करेंगे बिल्कुल अयाज जी के अंदर। वो डेट को लॉन्च कर रहे हैं आप, मुहूर्त डेट में चेक कर लूंगा, अभी पंडित जी से पूछ के बता दूंगा आपको। और ये पीआरओ साहब जो है जी, अभी एक मुकद्दर का सिकंदर है दिनेश जी के साथ में, और उसके बाद एक घातक है, टीनू वर्मा जी डायरेक्टर हैं, पवन जी के साथ में है, और उसके कुछ और भी फिल्में हैं। अभी एक शूट पे एक और जा रहा हूँ, माया जी की फिल्म है सीता और गीता, अभी आई नहीं, बाकी तो जैसे छोटा मोटा कभी करते रहते हैं जहाँ जैसा रहेगा। सुरेंद्र मिश्रा जी से मैं जानना चाहूँगा कुछ, आइए। फोक सॉन्ग है, राजस्थानी फोक है, लेकिन फोक को पहली बार हमने म्यूजिक इंडस्ट्री में पहली बार फ्यूजन किया है। फोक को कवाली फ्यूजन हुआ था, नुसरत साहब ने किया था, लेकिन फोक राजस्थानी को फ्यूजन किसी ने नहीं किया अभी तक, तो पहली बार ये फ्यूजन रॉक म्यूजिक है और फोक सॉन्ग है। कैसे लगा आपको अभिनय के साथ साथ एक वीडियो फिल्म का डायरेक्शन किया जाए, आप फिल्मों का डायरेक्शन करते हैं? मेरा इंट्री ही बॉलीवुड में जो है कि सॉन्ग एज अ सॉन्ग राइटर हुआ था। पहला गाना लिखा था मैंने तेरे बिन जीना नहीं, बाली ब्रह्म भट्ट के लिए, जिसमें अनुपमा वर्मा विक्रम सलूजा मॉडल थे।
इसके बाद मैंने ईरा रोशन, राकेश रोशन जी की माँ के साथ एल्बम किया था, अनाइडा ने गाया था, ईरान की लड़की थी। इसके बाद कोयलांचल का गीत लिखता था, फिर मनोरमा सिक्स फीट अंडर का गीत लिखा शिवारू वीडियो के लिए, रिमिक्स बनाते रहा टिप्स के लिए। तो मेरे को स्क्रीन प्ले या स्टोरी राइटिंग से ज़्यादा हॉबी मेरे को मतलब मज़ा आता था यही करने में, संगीत में ही। तो सर अभी लहरें आप कर रहे हैं तो इसमें कितना अपना एक्सपीरियंस झोंकने वाले हैं? जितना मेरे पास ज्ञान है सब झोंकूंगा, क्योंकि म्यूजिक भी किया हूँ इसका पहली बार। इससे पहले भी किया था एक म्यूजिक और रिमिक्स था टिप्स के लिए किया था, और फिर एक वीडियो डायरेक्ट किया था जिसके स्टूडियो में हम लोग काम कर रहे हैं अलका जी के लिए का, उसमें अलका जी ने गाया था डीआरजी के लिए वीडियो किया था। समीर जी को क्या उम्मीद है? नया तो है लेकिन इनके वॉइस में मतलब एक सूफियानापन है, हरकतें अच्छी करते हैं और सुन सुन के सीखा हुआ है, सीखे तो नहीं है लेकिन सुन सुन के गाने इन्होंने सीखा है, तो इनके स्केल के हिसाब से गाने को बनाया गया, इसलिए मैंने फोक पकड़ा क्योंकि इनकी वॉइस सूफियाना है थोड़ी, तो सूफी सॉन्ग फोक ही पकड़ा मैंने। हाँ वीडियो होने वाली है, बस बहुत जल्दी बताएंगे। लोकेशन कहाँ है शूटिंग के, आप ये बता सकते दर्शकों को? लोकेशन हमने दो तीन जगह देखा, एक तो लहरें जैसा कि टाइटल है, तो मुझे बाहर भी करना है, समंदर चाहिए और डिस्को ट्रैक भी चाहिए। बाहर कहाँ से? अभी है जाएंगे, यहाँ पे हंटिंग करेंगे। वोकट खड़े हैं हमारे नागेश मिश्रा, हाँ बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो आप उनसे गाना क्यों नहीं गवाते? नागेश जी से मेरी पहचान, मेरी दोस्ती नागेश भैया से 25 साल हो गया होगा, 25 साल सुपर हो गया, 25 साल से, हाँ 30-35 साल हो गया। और एक पार्टी में हम लोग मिले थे गीता कपूर के, कांग्रेस की सेक्रेटरी थी, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं एक साथ, 35 साल हो गया। और कौन कौन से आज गेस्ट आपके पास, सबका होना तो नहीं बताया नाम? अभी मधु शर्मा जी आए हुए हैं, हमारे मित्र हैं, नागेश जी हैं, सुनील कौशिक जी भी ऑन द वे हैं, मनोज तिवारी के भाई जेपी तिवारी जी आ रहे हैं, और शिवारू वीडियो के मालिक ने बधाई दी है क्योंकि वो दिल्ली में हैं और उन्हीं के लिए मैं मतलब 90% मेरा उन्हीं से मेरा घर है शिवारू, और केतन मारू जी से मेरी अच्छी दोस्ती है, तो 90% वीडियो हम बहुत शुभकामनाएं। और अब बताने की जरूरत नहीं, सब तो बोल दिया गया है, है ना, टैलेंटेड आदमी मल्टी। आवाजों से कुछ शुभकामनाएं दीजिए। सुरेंद्र मिश्रा जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिनों में, ये अब डायरेक्शन तो कर ही रहे हैं, राइटिंग भी है डायरेक्शन भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बस बहुत कुछ नहीं, थैंक यू सर। जैसे नागेश जी बोल रहे थे और क्या अपने क्या भैया बोल रहे थे कि सुर के हिसाब से, तो क्या होता है कि हर गाना हम नहीं गा सकते, हर गाना एक सिंगर ही गा सकता है। जो गाना को याद वही आप देख लो, अब देख लो सही में। चलो ये थोड़ा माइक थोड़ा तो दूर कर लो, थोड़ा दूर कर लो। ला ला जब हो के हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। बस थोड़ा बहुत गंदा गाना गा लेता हूँ। नहीं ये गाना मेरे लिए था, पूरी इंडस्ट्री के सारे हीरो ने सिंगर बन चुकी है, आप क्या खलनायक सिंगर बनना चाहेंगे? कोई गाना रिकमेंड करूँ गाने के लिए? नहीं 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 ऐसा रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे जहाँ ऐसा लगेगा मैं जो है वो खुद ही गाना गा लेता हूँ, जो गाना मुझे लगता है कि मैं गा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके बाजू में एक बहुत खूबसूरत सिंगर खड़ी है, बैठी हुई खड़ी हो जाए। बिल्कुल खड़ी हो जाइए मेरे बगल में, मेरे को अपने जो है मेल सिंगर के साथ दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सुरेंद्र मिश्रा जी का मुहूर्त चल रहा है यहाँ पे एल्बम की लहरें, तो ऐसा लग रहा है देखे कि बहुत ही अच्छा होगा। हमने सॉन्ग भी सुना जो कि बहुत ही अच्छा है और समीर जी ने गाया हुआ है उनको, और फर्स्ट टाइम सर डायरेक्शन भी करेंगे आई थिंक, और एल्बम भी कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और राइटर तो पहले से थे, तो बहुत अच्छी बात है कि राइटर के साथ साथ डायरेक्टर भी हो गए अभी
और म्यूज़िक एल्बम भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू सो मच। आप गाने की शक्ल में बधाई दीजिए जरा, आवाज सुनना चाहिए। समीर जो है, समीर जी, समीर जी आज का सिंगर हैं जी। अभी एक लाइन उन्होंने सुनाया था, जरा उनको एक लाइन बताइए कैसा लगा आपको। हमें तो समीर जी के बारे में ये सॉन्ग सुन के बहुत अच्छा लगा। तू लहरे बन जाओ, शायद आई थिंक समीर जी क्या बोल था, आई थिंक क्या था, तू बन जा लहरे सागर। हाँ, तू बन जा लहरे सागर के, मैं साहिल बन जाऊं। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने सुना नहीं, समीर जी को गाते सुना था तो शायद बराबर नहीं गाया। कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरे मित्र और कमाल के राइटर हैं हम, सुरेंद्र मिश्रा जी। कल इनका फरमान आया, भैया आप पहुँच रहे हैं कि नहीं, गुजारिश गुजारिश नहीं, भैया कुछ करें और हम लोग न आए। हमारी दूसरी फिल्म थी हो गए प्यार ढोनिया वाली से, मैंने कहा राइटर तो कमाल लिखा है, क्या लिखते हैं ये। और समीर बाबू, बड़ी खुशी हुई कि इनके अंदर डायरेक्टर पहले से छुपा हुआ है, डायरेक्शन अब इनको करना भी है। और इन्होंने, आपने वीडियो बनाया भैया जी, बहुत अच्छा। ढेर सारी शुभकामना समीर बाबू। थैंक यू सर। भगवान करे, गायकों का ज़माना चल रहा है, आपका भी अच्छा हो। हमारे देखिए गोपाल भैया हैं, मधु भैया हैं, नागेश भैया हैं। और मैडम आपने क्यों नहीं गाया, आप जितना अच्छा गाती हैं। आपका एल्बम कोई निकालिए, एल्बम्स वगैरह बहुत है मार्केट में मेरे। अच्छा, हाँ, भोजपुरी वर्ल्ड वाइड के लिए गाया हुआ है मैंने, अभी सुमारू के लिए 4 गाने गा रही हूँ मैं। क्या बात है आपका, तो मैं कई एक बार मन के संवरिया गाया था आपने महफिल में, देखिए अभी तक हमको याद है, कितना बढ़िया गाया। प्रतिज्ञा, सुरेंद्र जी काफी फिल्में लिख चुके हैं, राइटर डायरेक्टर भी बन चुके हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए, लिरिक्स राइटर भी हैं, तो इनके लिए कुछ खास गाना चाहेंगे। भाई साहब ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है, सर कुछ गा के सुनाइए। बिल्कुल सुनाता हूँ। जितने टैलेंटेड सुरेंद्र मिश्रा हैं, अभी इनको इनका रिटर्न मिला नहीं है। अब सही टाइम आया है कि जब इनको इनका रिटर्न मिलना अब शुरू हुआ है। अभी ये कमाल के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, मैं जानता हूँ कितने टैलेंटेड आदमी हैं। मनोज जी, भोजपुरी एक्टर के नाते समीर जी बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके, पहला हिंदी एल्बम कर रहे हो, तो क्या भाई अब कहते हैं ना कि तकदीर कहीं ना कहीं से खुलनी होती है। अब समीर बाबू का गाना आया है, यहीं से क्लिक करेंगे, यहीं से हंगामा मचाएंगे। दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। पुष्पा जी आई हैं आशीर्वाद देने आपको। देखिए हम लोगों की भोजपुर इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत महिला हैं, इनका जवाब नहीं है। क्या गाना सुनाएं मनोज जी, कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है? जी प्रोजेक्ट तो है, अभी रोमियो राजा कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गया। गबरू आने वाला है, लैला मजनू और पांचाली, ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। सर नमस्कार, आज एल्बम का लॉन्चिंग है तो सबको गाना ही गा रहे थे, गाना भी सुना दीजिए। कैसा गाना सुनेंगे बताइए, जैसे जो आपको अच्छा लगे। मैं वही सुनाता हूँ जो मैडम ने सुना था, मन के सवारी। चलिए मैं रिवर्स मिसल के साथ वापस से गा देती हूँ, आइए ना प्लीज। हाँ, दोनों लोग गाएंगे, एक पहले मैं शुरू करूँ। जी जी, आइए राकेश जी। अरे कहाँ गया, अच्छा भैया 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 आप तो ने बोला है मन की सवारी इनके फेवरेट सॉन्ग्स हैं, तो मैं वापस से इनके लिए सुना रही हूँ डुएट सॉन्ग जो मने सर हाँ, और मैं साथ में गाएंगे। हाँ, पहले ये गाएंगे एक, फिर हम दोहराएंगे। मन के सांवरिया बन गया तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गैला समाय, नस नस में तू गैला समाय, डाल दिला परे सानी में गजब के, ताली बजना चाहिए, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। राकेश जी बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। क्या कुछ चल रहा है आजकल बताएं? बस प्राइम फ्लिक्स ही चल रहा है, और क्या चल रहा है। तो आज एक गाने का देखिए लॉन्चिंग किया सुरेंद्र मिश्रा जी। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, अभी से ही उसको वायर कर लीजिए आपसे।
हाँ वो तो मिश्रा जी जो भी बनाएंगे वो खरीदने के लिए तो हम ही तो है। क्या मिश्रा जी? हमारा तो बहुत पुराने मित्र हैं राकेश भाई, और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतना व्यस्त रहते हैं और अपना प्राइम फ्लिक्स में, लेकिन टाइम निकाल करके हमारे लिए आए। जे पी भैया आए हुए हैं, हिरम जी हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, नागेश भैया का, मधु जी का, और ख़ासकर राकेश भाई का। मेरे ये भी मतलब 25 साल हो गया, 25 साल पुराने हमारे मित्र हैं, 25 साल से हमारे मित्र है, और प्राइम फ्लिक्स के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो मिश्रा जी को, और इस फिल्म के लिए बहुत बधाई हो। बाकी एक्टर को तो पता नहीं मुझे, लेकिन मिश्रा जी के लिए हमारा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। एक नया सिंगर समीर जी को उन्होंने लॉन्च किया इस गाने से, समीर खान को। ओके, समीर जी के लिए भी बधाई हो। समीर जी ये गाना बहुत अच्छा चले, और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहिए। तहलका डॉट कॉम में तो बहुत ही कुछ चल रहा है ना, आप लोग जो आपको ही पता है सब कुछ ज्यादा क्या चल रहा है करके। सर क्या शुभकामना देते हैं आप? हमारे छोटे भाई सुरेंद्र मिश्रा जी को इस नए वेंचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन मैं इनका बड़ा क्रिटिक हूँ, क्रिटिक्स करता हूँ। तो जब मैंने सुना, और मैं अब दावे के साथ कर सकता हूँ कि जो सुरेंद्र मिश्रा में सीड है ग्रो करने का, एक अच्छी चीज़ और एक नई चीज़ लिखने का, इनके कई स्टोरी हमने सुने भी हैं। आने वाले समय में हम भी इनके साथ कुछ अच्छा काम करेंगे, और ये जो वीडियो है, ये जो एल्बम है, ये तो हिट होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं समीर को और सुरेंद्र मिश्रा जी को। थैंक यू सर। सुरेंद्र भाई तो यार कमाल के आदमी, इनका तो एक एक शब्द, एक एक लाइन, कभी कभी इनसे पूछता हूँ कि यार जब आप लिखते हो तो सोचते क्या हो, कितनी अच्छी लाइनें आती कहाँ से आपको, तो बताते नहीं है राज, कि पता नहीं कब बताएंगे, अच्छी बात है नहीं बताते। ये गाना समीर खान को आज लॉन्च किए हैं जो नया न्यू सिंगर हिंद बॉलीवुड में, यार नो डाउट समीर भाई से मुलाकात हमारी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी जब मुलाकात हुई, इनका गाना सुना मैं उस दिन, का इनका फैन हो गया। मतलब क्या उनकी सुपर वॉइस है, और जिस तरह से गाते हैं, दिल से गाते हैं, मतलब सुन के अच्छा लगता है। आपके बगल में प्राइम फिलिप्स के ऑनर खड़े हैं, कुछ ऑफर मिला है पिक्चर का? ये तो ये ऐसे इंसान है, सच बताऊं इनकी, मुझे लगता कि इनका इतना बड़ा नाम है कि अगर मैं तारीफ करूँ तो शब्द छोटा है इनके लिए। फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई, मिला मैं, एक लाइन बात हुई, इन्होंने मतलब दिल से बोलता हूँ, खड़े हो हाथ मिलाए, बोले ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, और खड़े खड़े ये दुबई जा रहे थे, इनका बंदे को बुलाए, बोले इधर आओ, हिरम को फटाफट लेटर दो। आज तक भाई ऐसा मतलब धाकड़ आदमी नहीं देखा मैंने, ये शेर जैसे जैसे लगते हैं वैसे इनका दिल भी है। मतलब भाई आधे घंटे के अंदर में इन्होंने मुझे लेटर दे दिया, इनका बड़प्पन है। तो बढ़िया, लोग अच्छे, बढ़िया। इसके बारे में बताइए किस तरह है कंटेंट है इसके अंदर, किस तरह की फिल्में होती हैं। आप लोग अभी क्या है, दूसरे के मुरत पे अगर प्राइम फ्लिक्स के बारे में पूछा बच्चा बताओगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। जो भाई इतना है, हम लोग कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई के साथ में, और प्राइम फ्लिक्स के बारे में तो आप लोगों को खुद को ही पता करके आप कौन से कंटेंट आ रहे हैं और कौन से कंटेंट नहीं आ रहे। बहुत अच्छे से कंटेंट है, आप लोग ही तो प्राइम फ्लिक्स को इतना ऊपर तक लेके जा रहे हो, क्या नहीं? आप लोग नहीं होते तो प्राइम फ्लिक्स कहाँ होती? Right. आप लोगों के सब लोग है, जब ये प्राइम फ्लिक्स चल रही है, अभी तक कितना उसका सब्सक्राइब हो चुका है? 3,25,000। वाओ, और वीडियो कितने होंगे? 50 50 के आसपास। हाँ, बस जल्द से जल्द अपने को 5 मिलियन करने, तो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो आप लोग लोगों तक पहुंचाओगे। आज रात में 5 मिलियन हो जाएगा। हाँ ना, पक्का। नहीं होगा तो मैं तुझे फिर पूछूंगा। समीर जी को तो मैं दिल से, क्या सबको दिल से ही दुआ करते हैं, मगर मैं आपको आत्मा से दुआ कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, नाम हो आपका, और इसीलिए आपको मैंने टोका कि रफ़ी जी क्यों नहीं, क्योंकि रफ़ी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आवाज़, वो हर तरह के गीत गाते हैं, तो अगर आप किसी का पदचिन्ह पर चलना चाहे तो उनके क्यों नहीं, है ना? आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, अच्छा मानना। अब ईश्वर करें आप बहुत आगे बढ़ें, आपका नाम हो, और जैसे ये मुकेश जी, रफ़ी जी ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, आप भी छोड़ें। और सुरेंद्र जी के बारे में क्या कहूँ, तो हमारे घर के हैं, घर जैसे हैं। अभी मैंने लास्ट उनकी एक फिल्म की है लाल इश्क, जिसमें उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके कहा कि ये रोल आपको ही करना है, दूसरे को नहीं।
बेटा उसमें मैं एक जो हूँ ना अभी, जो मैं हूँ वैसी ही हूँ, बहुत फैशनेबल, बहुत स्टाइलिस्ट, बट जब मैं भोजपुरी बोलती हूँ तो फिर सोच लो कैसा लगेगा। और वो भी ठेठ भोजपुरी, का रे तेरा बुझात नहीं खे कि के बैठल बा इस तरह का। और क्या बताऊँ, और सब ठीक है। समीर जी नए सिंगर आए हैं, इनके लिए गाना सुना दीजिए। आप गाना लिखते भी हैं, इसलिए बता रहा हूं। मैंने लिखा है, मैंने तो बेटा शुरू में मैंने कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये अंडू मलिक सबके साथ गाना लिख चुकी हूँ, मगर तुम्हारे भोजपुरी में दो तीन लिखा है, यहाँ थोड़ा चलती नहीं है हमारी। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, सुना है ना पर गाना मैंने सुना तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और वो गाना बहुत ही हिट हो गया। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।